एवरीवन एक बार फिर आप सभी का जे आई डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमस्कार आदाब सत श्रीकाल सलाइकुम बी एफ यूएचएस फरीदकोट टाइगर क्लास सेकंड जाओन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आपको मदद कर सके माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इंपोर्टेंट लिंक को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर जरूर करें गौरी प्रजापति गीता जाट महक मधु सुनीता अबनिका, दिलजीत पिंकी सपना डिम्पल गीता अनुपमा गौरव पटेल पूजा सुमन दास आलोक सोनम यादव तालिब भाटी मनदीप कौर अनुष्का गुप्ता शिखा यादव आप सभी को जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म की, की तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आज के इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें जहां पर बहुत सारे एमसीक्यू में आपसे पूछने वाला हूं कुछ एमसीक्यू हो होंगे जो आपकी नॉलेज को रिवाइज करेंगे कुछ नए एमसीक्यू होंगे और साथ में बहुत कुछ आज सीखेंगे ओके okay, फाइन आज के इंपोर्टेंट सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देंगे ये मैं उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को कहना चाहता हूं कि जो गलतियां हुई है जो लॉस हुआ है जो फेलियर हुआ है यदि हम पीछे मुड़के देखेंगे तो अफसोस हो सकता है बट आगे देखने पर हमेशा आपको अवसर दिखाई देंगे अभी जिंदगी बहुत बची है अभी जिंदगी के असली फैसले अभी बाकी है अभी तक तो किसी को देख के फैसले लेते थे, थे बट अब जो फैसले होंगे वो हमारी तकदीर बदलेंगे। जिद के आगे दुनिया सलाम करती जिद करके आपको आगे बढ़ना होगा किसी भी परिस्थिति में यदि आप हो तो रुकना नहीं मेरे बच्चों ना रुकना सीखा है ना रुकेगे और ना कोई रोक सकता है मंजिल तय किया मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मुसीबत का सामना करना होगा एक छोटी सी बात आपको कहता हूं क्लास को शुरू करने से पहले किसी एक डॉग को एक गली से दूसरे गली में जब जाना होता है तो दूसरी गली वाले के दूसरी गली में प्रजेंट कई डॉग से उसको सामना करना पड़ता है दूसरी गली से उस डॉग को तीसरी गली में जाना होता है तो फिर कई डॉग से सामना करना पड़ता है और इस तरीके से एक डॉग एक कुत्ता गली गली भटकता है तो सोच लीजिएगा कितने डॉग से सामना करता होगा तो वही हमारी लाइफ है हम जब एक मुसीबत से निकलेंगे तो दूसरी मुसीबत दरवाजे पे खड़ी होगी हमें पीछे नहीं मुड़ना है उसको भी फेस करना आगे बढ़ना है जुकना नहीं है है चलते रहना ओके okay, फाइन तो उनके लिए तो डिस्काउंट अवेलेबल कर दिया जेए सी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नॉर्थ ट्वेंटी वन में सर्वाधिक सिलेक्शन आने पर विद्यार्थियों लिए विशेष सौगात जो बच्चे किसी परिस्थिति में जॉब में है टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए बच्चों रिकॉर्डेड उनके लिए बच्चों रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है नॉर्सेट नॉर्सेट 2022 के लिए इस रिकॉर्डेड कोर्स में लगभग 1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगा 5000 क्वेश्चन बढ़ा दिए बच्चों 5000 प्लस एमसीक्यू होंगे और इसकी वैलिडिटी बच्चों वन ईयर की होगी आप कभी भी कितनी भी बार इस कोर्स को स्टडी कर सकते हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए ट्वेंटी और आज ही आपको जेएनसी जोधपुर के ऐप को डाउनलोड करके मेल आईडी से लॉगिन करके बाई कोर्स पर जाके परचेस करना होगा बच्चों एक और बात आपको बता दो यदि किसी परिस्थिति में आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो नाइन सिक्स थ्री सिक्स जीरो

आपने सीओपीडी पढ़ा होगा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमोनरी डिजीज और सीओपीडी में दो डिजीज पढ़ते हैं एक हम पढ़ते हैं बच्चों एंफाई, एंफाई पढ़ते हैं दूसरा हम पढ़ते हैं क्रॉनिक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ते हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हम ब्लू ब्लॉटर कहते हैं और एम्फाइजीमा को हम पिंक पफर कहते बदमाश बच्चों इधर ब्लू ब्लॉटर इधर पिंक पफर एम्फाइजीमा जो है इसमें क्या होता है बच्चों डैमेज होता है क्या डैमेज होता है डैमेज डैमेज या या डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन किसका एलुलाई। एलुलाई सेक। जब डेमेज डैमेज हो जाएगा तो ओटू और CO2 टू एक्सचेंज नहीं होगा O2 और CO2 टू एक्सचेंज ऑफ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा है क्या पेशेंट को लॉस ऑफ पैरिफ्रल विजन होगा क्या पेशेंट को लॉस ऑफ पैरिफ्रल विजन होगा क्या पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा क्या पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया होगा क्या पेशेंट को स्लो क्लोटिंग फ्रॉम वुंड देखिए चार इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके सामने आपको एक राइट आंसर पुट करना होगा एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा आपके सामने पुट के इसका दूसरा नाम है पिंक पफर बदमाश बच्चों इसका दूसरा नाम है पिंक पफर होगा और इसी पिंक पफर वाले में सीओपीडी का पेशेंट इसी को हम सीओपीडी में कंसिडर करते हैं बच्चों इट्स ओके अमित राखी इट्स ओके मैडिया थैंक यू रिमपी ठाकुर क्विक आंसर क्विक आंसर आसार एमसीक्यू की शुरुआत आपको आंसर पुट करना होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपने लिखा है बच्चों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेफिनेटली चारों में से एक मैनिफेस्टेशन है दैट विल बी इंडिकेटिंग कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों के फाइन आपका सही आंसर बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नेक्स्ट एमसीक्यू की और मूव ऑन करते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कहा लोकेटेड होता है आपने पढ़ा होगा बच्चों आपने सलेवरी ग्लैंड पढ़ा होगा इस ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं एक्न ग्लैंड कहते हैं और स्लाउरी ग्लैंड नंबर में थ्री पेयर होती है बच्चों थ्री पेयर का मतलब तीन राइट साइड में होगा तीन लेफ्ट साइड में वीकेंड से थ्री पेयर होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के सलाइवा का प्रोडक्शन करती है सलाइवा का प्रोडक्शन करती है ऑप्शन यहां पर मैंने पुट किया बिलो द स्टोमक ध्यान से देखिएगा बिलो द दे स्टोमक दूसरा मैंने लिखा बिहाइंड द सी में लिखा बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल और डी में लिखा अंडर बता देता हूं मम्स में ये मम्स एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है और मम्स में पैरोटाइटिस होता है मम्स में पैरोटाइटिस होता है मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड होता है तो मम्स हमेशा पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है तो पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन मैंने आपसे पूछा है कि कहा रहता है स्टोमक के बिलो रहता है अबो द पेनक्रियास बिहाइंड द पेनक्रियास बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर के नाल द आर्म पिट क्विक आंसर क्विक आंसर बदमाश सोच रहे सबने सी आंसर पुट किया है ग्रेट ग्रेट पार्टिसिपेशन और आपका आंसर बिल्कुल सही बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर इनाल जब ये पेशेंट है सपोज ये पर्सन है ये उसका नोज है ये माउथ है ये पेशेंट का रेस्पायरिटी पासिस कान है या यहाँ ईयर केनाल के फ्रंट में यहां पर, पर, पर लोकेटेड होता है बच्चों यहां पर लोकेटेड होता है ध्यान से देखिए यहां पर लोकेटेड होता है मम्स मम्स एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज यहां पर इन्वॉल्व होता है ओके फाइन देखिए बच्चों मैं आपको बता देता तो हूं जल्दी ही जल्दी ही मैं आपको जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एनक्लेक्स एम सीक्यू विथ रैशनल सोल्यूशन सेशन स्टार्ट करने वाला जल्दी आपके जेएनसी के ई e नर्सिंग पे ऑल इंडिया फ्री रोजाना वन आवर एनक्लेक्स एमसीक्यू विथ रैशनल स्टार्ट करने वाला हूं सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लिए जिन्होंने बेसिक क्लियर कर लिया जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो अपने आप को थोड़ा और नॉलेजेबल बनाए और स्ट्रांग बनाए और हमारे पास सोंडर्स है मोसबी है लिपिन कॉड है इस तरीके के बहुत सारे एमसीक्यू हमारे पास अवेलेबल है जो आप तक विथ राशनल ए है तो क्यू है बी क्यू नहीं है सी क्यू नहीं है डी क्यू नहीं है और पूरा डिटेल पूरा डिटेल डिस्कशन मैं अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि मैंने आपके साथ शुरुआत किया तो आपको आखिरी जंग तक लेके जाऊंगा ये मेरी जिद है बच्चों और आपका साथ बना होगा तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगी मेहनत के लिए मैं तैयार हूं आपको तैयार रहना पड़ेगा बहुत जल्दी आपको ये इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया फ्री सेशन देने वाला हूं रोजाना इसी यूट्यूब चैनल पर तैयार रहना होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस सेशन के बाद एक घंटा में और प्रिपेयर कर रहा हूं जिसमें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो एम्स में कुछ नंबर से रह गए थे उनको इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि सेट और आने वाली वैकेंसी में वो चिल्ला चिल्ला के सर वी डिड इट हमने कर दिखाया जो आपने कहा दैट आई वांट फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बिल्कुल एन की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होगा नेक्स्ट बच्चों मैंने लिखा है कि नाइट ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंड आर जनरली कंडीशन

ये एमसीक्यू विटामिन 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 uh, right uh, ब्लाइंडनेस रात को जिसको रतौंदी बोलते रात को नहीं दिखता है जीरो होता है इवन आपने सुना होगा बाईटोट स्पॉट होता है ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है तो ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर uh, विटामिन जो ए आंसर पुट किया बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही है क्योंकि विटामिन के जो है इसको हम एंटीजिक विटामिन बोलते हैं इसको हम एंटीजिक एंटी हेमरजिक एंटी एंटी विटामिन के नाम से जानते हैं विटामिन बी टू है, है यह यहां पर क्लियर पुट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग करते हैं बच्चों नेक्स्ट मैंने लिखा कि स्पाइनल ये चाहे हम स्पाइनल एनस्थीशिया की बात करें चाहे हम स्पाइनल एनस्थीसिया की बात करें चाहे हम लंबर पंचर की बात करें चाहे हम लंबर पंचर की बात करें ये क्वेश्चन घूम फिर के बार बार आपसे पूछा जाता है बार बार आपसे पूछा जाता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो मैंने यहां पर लिखा है कि एल थर्ड एल फोर के बीच में एल टू एल फोर के बीच में एल सिक्स एल सेवन के बीच में और एल टू और एल थर्ड अब आपको सही आंसर पुट करना बड़ा कॉमन है रिपीटेटिव फॉर्म में आपसे पूछा जाता इकबाल वेरी गुड मॉर्निंग अर्चना पटेल शुक्रिया शुक्रिया अनिता बिल्कुल सही आंसर मेरे बच्चों का एल थर्ड और एल फोर इन दोनों के लिए यदि मैं कंसिडर बच्चों, का यदि पूछे आपसे अडल्ट का पूछे तो एल थर्ड और फोर्थ और एल फोर और एल फाइव यदि आपसे चिल्ड्रन का पूछे चिल्ड्रन का पूछे तो थोड़ा वेरिएशन है बट कॉमनली जो क्वेश्चन है वो हमेशा एडल्ट का पूछा जाता है जब किसी एज ग्रुप को मेंशन नहीं किया किसी एज ग्रुप को मेंशन नहीं किया तो हमेशा एडल्ट का पूछा जाता है जब एज ग्रुप मेंशन करते हैं तो आपको समझना होगा कि वो जो है दैट वी कैन अनसिडर पर्टिकुलर इज ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा मैंने ये भी पूछ लिया कितना

जो बच्चे फर्स्ट टाइम जैन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच सके ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलीमिया देखिए बड़ा आसान एमसीक्यू आपको लग रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं हाइपरकेलीमिया का मैनेजमेंट पूछा है जैसे ये पोटेशियम है पोटेशियम को मेजर पोटेशियम को मेजर इंट्रा पोटेशियम को मेजर इंट्रासेलर कैटाइन बोलते मेजर इंट्रा सेलुलर हम पोटेशियम को बोलते दूसरा पोटेशियम जो है ये 3.5 से 5.1 मिली इक्वलेंट होता है ये सभी को पता है अब पोटेशियम का लेवल जब इंक्रीज होता है लेवल जब इंक्रीज होता है तो हम है बोलते हैं लेवल जब डिक्रीज होता है तो हाइपो है बोलते हैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शुक्रिया इंद्रा तो हाइपरकेलीमिया और हाइपोकेलीमिया की यदि मैं बात करूं तो यहां पूछा कि केलीमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा मैनेजमेंट क्या होगा तो मैं आपके सामने ऑप्शन पुट कर देता हूं मैंने कहा क्या हम पोटेशियम क्लोराइड देंगे पेशेंट को क्या हम पेशेंट को पोटेशियम क्लोर बिल्कुल अनिता वर्मा एमपी व्यापम के लिए बी टाइगर क्लास लेंगे चिंता मत करें बच्चा बी में लिखा है बच्चों मैंने आईवी फ्रूट देंगे सी में मैंने इंजेक्शन फ्रोसेमाइड लिखा है और डी में इंसुलिन एंड ग्लूकोज लिखा हुआ है हमेशा याद रखना इपर की बात करें मतलब आपके ब्लड में मतलब आपके ब्लड में यदि पोटेशियम ज्यादा होगा तो इस पोटेशियम को ब्लड से लेकर के सेल में फुट करने का काम कौन करेगा जिससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर या मिलेगा शुक्रिया कविता कुमावत थैंक यू मेरा बच्चा सही आंसर पुट करेगा बच्चों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जरूर है बट आप आंसर दे सकते हो आप आंसर दे सकते हो मैंने हाइपरकेलेमिया को ट्रीटमेंट पूछा है हाँ, रिवा बहुत बढ़िया मेरा बच्चा रिवा बहुत बढ़िया साबा साबा सनुष्का गुप्ता सही आंसर देखिए इंसुलिन विद ग्लूकोस एग्जैक्टली exactly, इंसुलिन क्या करता है इंसुलिन का साइड इफेक्ट होता है इंसुलिन का साइड इफेक्ट होता है हाइपोकेलेमिया क्या होता बच्चों? है बच्चों हाइपोकेलेमिया इंसुलिन क्या करता है Blood में प्रेजेंट पोटेशियम को सेल में भेजने का काम करता है जैसे मैंने यहां लिखा या ये आपका ये है आपका दिख रहा है है ये ब्लड और ब्लड में पोटेशियम ज्यादा था तो सेल में ये आपका सेल है तो डेफिनेटली सेम कंडीशन बिल्कुल सही आंसर मैं लिखा इट अपटेक ऑफ ग्लूकोज अपू द सेल तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इवन कभी कभी आपको ऐसा भी पूछते हैं ऐसा भी पूछते हैं हाइपर कैलिमिया में ईसीजी चेंजेस पूछते हैं तो सभी को बता हाइपर में टॉल टी वे होता है सिंपल तरीका बता रहा हूं टॉल टी वे होता है और यदि आपको हाइपो पूछे यदि आपको हाइपो केलिम पूछे तो बच्चों यहां पर डिप्रेस डिप्रेस्ड टी वे के साथ में यू वेव वे परजेंट मिलेगा यू वेव भी परजेंट मिलेगा तो समझ आना उस पेशेंट को हाइपो केलिमिया ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आफ्टर असिस्टिंग वाइटर साइन ऑफ द पेशेंट अंडरगोन एपिड्यूर एलस्थेसिया विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स शुड असिस्ट देखिए पेशेंट को

ओरिएंटेशन लिखा हुआ बच्चों एब्डोमिनल असिस्टमेंट लिखा हुआ बच्चों एबिलिटी टू मूव लिम्स लिखा हुआ है और ब्लेडर डिस्टेंशन लिखा हुआ है तो डी नर्स इन चारों में से क्या असिस्ट करेगी चारों में से क्या असिस्ट करेगी शुक्रिया थैंक यू सो मच चंदन चौहान क्विक आंसर मेरे बच्चों से आंसर लिखेगा टेशन एबोमिनल असिस्मेंट एबिलिटी टू मूविम्स ब्लेडर डिस्टेंशन ब्लेडर डिस्टेंशन क्या बात है Absolutely correct. आप बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर में बच्चों क्योंकि हमेशा क्या होता है जैसे आपका स्पाइनल नर्व सप्लाई है ये आपका वर्टिबल कॉलम है इसमें स्पाइनल नर्व की नर्व सप्लाई होती है और ये नर्व जो है लोअर लिम्स और लोअर एक्समिटीज की तरफ जब जाएंगे तो डेफिनेटली ये नर्व जो है यूरिनरी ब्लेडर को नर्व सप्लाई करेंगे और यदि पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया तो ये नर्व सप्लाई इंटरप्शन होगा तो फर्दर नर्व नहीं जाएगा तो डेफिनेटली यूरिनरी ब्लेडर जो है वो कैन नॉट वर्क प्रॉपरली कहीं अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना रिलैक्स होगा तो यूरिन जो है इट इनटू द यूरिनरी ब्लेडर जिससे यूरिनरी ब्लेडर क्या होगा डिस्टेंडेड हो जाएगा और जब भी यूरिनरी ब्लेडर डिस्टेंडेड होता है तो ये ओवल शेप का हो जाता है बदमाश बच्चों डिस्टेंडेड कैसा दिखता है ओवल शेप का दिखता है और नॉर्मली पियर शेप का हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं और डिस्टेंडेड का पता लगाने के लिए सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर लोअर एबडोमन को हम पल्पेट करते हैं तो वहां पर आपको डिस्टेंडेड फाइंड आउट होता है तो समझ आइएगा समथिंग विल बी हैपन मैंने ये लिखा है कि लास्ट एरिया फॉर रिटर्न ऑफ द इनेशन इज अ पेरिनियल एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट पैनक्रियाटाइटिस कौन सा

देखिए लाइपेस याद रखना बच्चों लाइपेस एमाइलेज एमाइलेज और वी कैन से ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन याद रखेगा लाइपेस एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम जो है ये पेनक्रियाज से आता है किससे आता है पेनक्रिया से आता है दैट इज अस अमाइलेज और ट्रिप्सिन दूसरा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये किडनी से एक्सक्रीट उतरे बदमाश बच्चों

काफी आसान कर दिया आपके इस क्वेश्चन को सारे ऑप्शन का मीनिंग आपके सामने आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पेनक्रिया टाइटिस हुआ है बिल्कुल एब्सुलटली राइट आंसर जिन्होंने जिन्होंने लिखा लविंग फ्यूचर नर्सिंग बिकॉज़ मैंने कहा था लाइपेज, ट्रिप्सिन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का करने के लिए ये में होते हैं। और होगा। का कारण क्या है का, यदि हम कॉज की बात करें तो आपका कॉज मिलेगा ओटोडाइजेशन ध्यान से देखना ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन जो है ये नॉर्मली प्रिकॉशन होता है ट्रिप्सिन का और जैसे ही आपका ये है, ये है, ये आपकी है, ये है 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 आपकी डक्ट डक्ट कॉमन बाइल और ये आपका ड्यूडिनम है ये आपका ड्यूडिनम है. है क्या होता है बदमाश बच्चों ये ट्रिप्सिनोजन का प्रोडक्शन तो पेनक्रियास में होता है यहां से ये यह टर्वन होकर यह ड्यूरिनम आकर एक्टिवेट होता है ड्यूडिनम में आके एक्टिवेट होता है नॉर्मल प्रोसेस देखिएगा नॉर्मल प्रोसेस देखिएगा ट्रिप्सिनोजन जो है ये पेनक्रियास में तो प्रोड्यूस होता है और वहां से चल करके ड्यूडिनम आकर के एक्टिवेट होता है दिस इज द नॉर्मल नॉर्मल मैकेनिज्म मैकेनिज्म कभी कभी क्या होगा पेनक्रियाज के सेल में इंजरी होने की वजह से पेनक्रियाज में कुछ एबनॉर्मिटी होने की वजह से ये ट्रिप्नियोस ट्रिप्सिनोजन जो है ये पेनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है जिसको कहते हैं ऑटो एक्टिवेशन या ऑटो डाइजेशन

शुक्रिया सहरून खान थैंक यू सो मच थैंक यू माय डियर तो आपका यहां पर जो आंसर है बिल्कुल सही है एलिवेटेड लेवल क्योंकि ये है बिल्कुल ओटो डाइजेशन ऑफ सोनम यादव मेरा बच्चा बिल्कुल सही आंसर इस तरीके से आपको लर्न करना है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं क्वेश्चन एक होता है बट हम पांच अलग अलग एंगल से उस क्वेश्चन के अंदर पांच एमसीक्यू लर्न करते हैं दैट दैट इज इज अ अ स्पेशलिटी ऑफ जे आई एनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर बिल्कुल काफी बच्चे ए एन एम का जिक्र करें जल्दी ही एन एम यूपी पी एस सी में ए एन एम की जो वैकेंसी आई है उनका तोहफा आपको देने वाला हूं उनके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूं उनके लिए फ्री क्लास करने वाला हूं आप बस सब्र करिएगा आपके अशोक सर और आपकी जेएनसी टीम हर एक आपकी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करती है जितना होगा आपके लिए करने की पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे भरोसा बनाए रखिएगा जे सी परिवार से जुड़े रहिएगा आपके हर प्रॉब्लम आपके साथ होंगे शुक्रिया मनीषा यादव नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा या तो आंसर भी साथ आ गया। कोई इश्यू नहीं हम इस इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि काफी एमसीक्यू यहां से बनेंगे या सिंपल ऑफ बैंडेज यूज फॉर देंड ड्रेसिंग मतलब सर में चोट लगती है सर में चोट लगती है तो कौन से टाइप ऑफ बैंडेज को हम यूज करते हैं

दूसरा स्पायरल बैंडेज हमें अपर लोअर लिम्स में यूज करेंगे कैप्लीन मैंने कहा था आप कोई भी आपके ब्रेन में इंजरी टी बैंडेज जो है ये हम हाइड्रोसील में यूज करते हैं हाइड्रोसील में यूज करते हैं या टेस्टिस में कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है उस समय हम यूज करते हैं टी बैंडेज टी बाइंडर भी बोल सकते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा पाल विश्व हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा स्वामी पाल आगे बढ़े जिंदगी में खुश रहे और हर वो सपना आप पूरा करें जो आपने देखा ये गॉड ब्लेस और बेस्ट जैन से परिवार की तरफ से यहां पर मैंने कुछ इमेज पुट किया जैसे ये दिख रहा है बच्चों ये कैपलिन बैंडेज है ये पहला स्टेप है ये दूसरा स्टेप है और फाइनली इस तरीके से कैपलिन बैंडेज तैयार होती है कैफलिन बैंडेज जो मैंने लिखा है हेड ड्रेसिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूं यहां मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों की आपने कई बार देखा होगा सर में जब चोट लगती है ना Uh, जब हम बैंडेज करते हैं कुछ जो untrend, uh, होते हैं वो बैंडेज करते हैं, जब पेशेंट घर पहुंचता है तब तक तो वो कैप पूरा निकल जाता है एक्जेक्टली exactly, uh, जो हम लोग करते हैं इस बैंडेज का तरीका बड़ा सिंपल है कंप्लीट राउंड के बाद में फ्रंट टू बैक जाते हैं फिर लास्ट में एक और कंप्लीट राउंड लेके आते हैं अब इसको आप पकड़ के कितना भी खींचोगे ना सरदार जी जैसे पगड़ी होती है कितनी स्ट्रांग होती है उस तरीके से नहीं निकलेगा और इसको हम exactly, इसको हम एक्जेक्टली exactly बोलते हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि या की कोई भी ऐसी है, उसमें हम कैप्लिन बैंडेज का यूज करते हैं हम कैप्लिन बैंडेज का यूज करते हैं इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन पुट किया हुआ है टी बाइंडर देखिए इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग आपके सामने पुट करा टी बाइंडर का यूज क्या होता है जिससे मैंने देखा रेक्टल कोई भी पेशेंट को रेक्टल के अंदर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है या रेक्टल में कोई भी इंजरी हुआ है वहां पर यदि हम यूज करते तो टी बैंडेज का यूज करेंगे दूसरा बच्चों मैंने लिखा विजाइनल देन हिस्टेक्टोमी सर्जरी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने यदि पेशेंट को विजाइनल हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस रिमूवल ऑफ यूट्रस और यूट्रस जो है हम फाइब्रोइ कंडीशन है फाइब्रोइड यूट्रस में रिमूव करते हैं इस तरीके की टी बैंडेज होता है बच्चों इस तरीके की टी बैंडेज होता है लिख सकते हो मैंने लिखा जैसे हाइड्रोसील आप लिख सकते हो जिसमें भी हम टी बैंडेज का यूज करते हैं बड़ा इजी है बड़ा सिंपल है बड़ा इजी है, है, है बड़ा सिंपल है तो दैट यू कैन सी अवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स इवन मैंने कुछ और इमेज आपके सामने पुट किया है यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों सबसे पहले लिखा है स्पाइर बैंडेज मैंने लिखा फो आर्म था और काफ फो आर्म में यूज करते हैं थाई में यूज करते हैं और काफ में यूज करते हैं ये कुछ जगह है ये वो जगह माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस है ये वो जगह बच्चों ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा बैंडेज हम यहां पर यूज करते हैं जब आर्म आर्म है फो आम है फो आम का मतलब होता है, एल्बो से लेके रिस्ट के बीच का ये जो आर्म है ये फो आर्म है इसको हम शॉर्ट भी बोलते हैं फो आर्म भी बोलते हैं इवन मैंने ये भी लिखा बच्चों शोल्डर स्पाइक का जिसको हम फिगर ऑफ एट के नाम से जानते हैं इमोबिलाइजेशन और रैपिंग ऑफ द स्टम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं और ये क्वेश्चन आया था नॉर्थ सेट में ये क्वेश्चन आया था बच्चों नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में यही पूछा था जिन्होंने पढ़ रखा था उसके पास तो आंसर था जिन्होंने पढ़ रखा था उसके पास टू हंड्रेड परसेंट आंसर था और उन्होंने आंसर पुट किया बच्चों ओके माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एमपी व्यापम और ऑल सीएचओ एच के लिए कोर्स अवेलेबल है जो बच्चे लगातार लगातार क्वारी कर रहे थे सर, व्यापम के लिए कुछ करिएगा आप तो बच्चों ट्रिपल नाइन में कोर्स अवेलेबल है इस कोर्स को परचेज करने के लिए 9636032691 पे आपको फोन पे और पेटीएम करना होगा आपको फोन पे और पेटीएम करना होगा उसके बाद आप इस कोर्स को एक्टिवेट करवा सकते हो और कम से कम सिक्स टू एट आवर आपको डेली स्टडी करना होगा इसमें रिकॉर्डेड क्लास है इसमें जो है वो रिकॉर्डेड क्लास है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एमपी व्यापम तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते इवन आप प्ले स्टोर पर जाके जे आई सी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके मेल आई से लॉग करके इस कोर्स को परचेज कर सकते इस कोर्स को परचेज कर सकते ओके okay, फाइन एक और बात आपको बता देता हूं एक और बात आपको बता देता हूं आपने देखा होगा सोसाइटी में हर परिवार में एक नाम होता है सोसाइटी में हर परिवार में एक नाम होता है उस नाम से उस परिवार को जाना जाता है वो नाम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में हो सकता है वो नाम एक अच्छे कार्य करने वाले पर्सन का हो सकता है वो नाम हर सिचुएशन में फैमिली को निकालने वाले पर्सन के रूप में हो सकता है वो नाम किसी भी फॉर्म में हो सकता है हर इंसान दुनिया में आता है चला जाता है यदि आप कुछ देना चाहते हो अपने परिवार को सच में कुछ करना चाहते हो अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ करिएगा कि आपका परिवार आपके नाम से जाने आपके परिवार को आपके नाम से जाना जाए तो आपको जरूर यह एहसास होगा कि आपने कुछ किया है कि आज आपके परिवार को आपके नाम से जाना जाता है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको अपना सपना और आपके परिवार के सपने पूरे करने पड़ेंगे एक सच्चाई है हर कोई चाहता है कि मेरे परिवार को एक आइडेंटिटी मिले अभी तक हमारे मां बाप ने जो हमारे लिए किया बहुत कुछ किया उसकी हम कभी भरपाई नहीं कर सकते क्या हम उस लायक बन सकते हैं इस जर्नी को और खूबसूरत बना सकते हैं क्या हम वो कर सकते हैं अपने परिवार को एक आइडेंटिटी दिला जा सकते हैं वो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो इस तरीके से जुट जाइएगा अपने मिशन में इस तरीके से हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा अपने गोल के टूवर्ड्स कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो हर गली हर मोहल्ले का वो अपना क्रिटिसाइज करने वाला पर्सन दूर से कहें ये फलाने का बेटा था ये उस घर है ये उसका वो घर है ये पर्सन वो है जो फलाने एम्स में काम करता है ये पर्सन वो है जो फलाने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है चाहते हो ना सच में चाहते हो ना तो पीछे मुड़ के मत देखिए जहां हो वहीं से शुरुआत कर दो प्लानिंग मत करिएगा जहां हो वहीं से शुरुआत कर दो और शुरुआत करने के बाद रुकना नहीं है ठान लिया तो पूरा भी होगा मुसीबतें आएगी तो लड़ेंगे बट चलते रहना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे हर एक बच्चा जहां खड़ा हो उसको प्राउडली कहे कि ये फलाने का घर है फलाने के पापा वो करते हैं फलाने के घर में ये ये चीजें आपके नाम से जाना जाए और उसके लिए मेरे बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम कर सकते हैं यू कैन ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ नो बडी कैन स्टॉप योर जर्नी इट्स रियलिटी ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच कंडीशन इंट्रा प्रेशर इंक्रीज मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पर पुट किया मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पर पुट किया माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वो कौन सी कंडीशन जहां पर इंट्रा ऑर्क्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ता इंट्राक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ता बच्चों मैंने क्लियर कहा है कि इंट्रा ऑर्क्यूलर प्रेशर जो है नॉर्मली हम लोग दस से इक्कीस एम एम ऑफ एच डी कुछ बुक में 10 से 22 है तो भी हम कंसीडर करेंगे दूसरा बच्चों 1.3 से 2.6 किलो पास्कल केपीएल केपीएल के रूप में भी हम पढ़ते हैं जिसको सकता पता, into the consecutiva. और consecutiva क्या होती है ट्रांसपेरेंट लेट ऑफ द रिटाइना के सामने फ्रंट में वो लेयर होती loving, है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस इंफ्लाट्री प्रोसेस होगा कंजेक्टिटिस क्या लाता है कैटरेक्ट को ओपेसिटी ऑफ लेंस बोलते हैं ओपेसिटी ऑफ लेंस और ये एज की वजह से कॉमनली होता है और इसको हिंदी में सिंपल भाषा में यदि हम कहें धुंधलापन और ब्लरीनेस धुंधलापन और ब्लरीनेस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट इज अ कैटरेक्ट सी में लिखा है ग्लूकोमा ग्लूकोमा के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है और डी में लिखा है डिटैचमेंट ऑफ रेटिना रेटिनल डिटैचमेंट बड़ा बड़ा सही आंसर मैंने

कंप्रेशन ध्यान से देखना रे बदमाश बच्चों कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस होगा फिर बच्चों तीसरा इवेंट होगा लॉस ऑफ विजन लॉस ऑफ विजन और यहां पर हम देखते हैं विजन लॉस होता है और ये पेरिफेरल विजन यहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है पेरिफेरल विजन जो है वो लॉस होता है तो तीन इवेंट जब पूरे हो जाते हैं तो पेशेंट का विजन लॉस होता है सबसे पहले आईओपी बढ़ता है दूसरा

मैक्यूलर डी जनरेशन याद होगा एक टर्म्स मैंने बच्चों को पढ़ाया था मैक्यूलर डी जनरेशन याद रखना बच्चों मैक्यूलर डी जनरेशन और मैक्यूलर डी जनरेशन मैंने कहा था कि पेशेंट का सेंट्रल विजन लॉस होता है कौन सा विजन लॉस होता है सेंट्रल विजन लॉस होता है और ग्लूकोमस जब आएगा तो पेरिफ्रल विजन लॉस शुक्रिया जे एंड प्रीति डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बिल्कुल सही है मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं केमिकल बर्न ऑफ आई ट्रीटेड विथ यदि पेशेंट के आंख में कोई केमिकल गिरा यदि पेशेंट के आंख में कोई केमिकल गिरा तो हाउ वी कैन ट्रीट यह सीधा एमसी आपसे पूछा है थर्टी नाइन रुपीज टूवर्ड्स जे आई एनसी स्टूडेंट फंड थैंक यू अजीत थैंक यू सो मच टू हार्टेड सुपर पैन विथ सुपर जे आई तो केमिकल बर्न ऑफ आई ट्रीटेड विथ लिखा है लोकल ए ऑप्शन है बी में लिखा स्टेराइल वाटर इरिगेशन सी में लिखा विथ प्रोवाइड सॉरी पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन और डी में लिखा है टिंचर सोल्यूशन चार ऑप्शन आपके सामने है थोड़ा देखिए देखिए बच्चों ताली मेरा बच्चा ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि केमिकल बर्न ऑफ आई को ट्रीट करने के लिए चारों में से कौन सा स्टेप जरूरी है चारों में से कौन सा स्टेप जरूरी है पेशेंट के आंख में यदि कोई केमिकल पुट हो गया केमिकल पुट हो गया इट मे बी कैन कॉज केमिकल बर्न तो फटाफट आंसर पुट करना हम क्या यूज करेंगे क्या हम पेशेंट को लोकल देंगे या स्टराइल वाटर से इरिगेट करेंगे या आयोडीन सोल्यूशन यूज करेंगे या टिंचर बेंजोइड का यूज करेंगे बच्चों आसान है आपको आंसर पुट करना होगा ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी लिखा है ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी आंसर लिखा फंटास्टी पार्टिसिपेशन

तो मैं 15 से 20 मिनट तक स्ट्राइल वॉटर से आई को इरिगेट करना है टू तो रिमूव केमिकल फ्रॉम द आई टू तो रिमूव केमिकल फ्रॉम कर फिर से इस क्वेश्चन को है? ये में बार बार आपको स्ट्राइक करेगा कि कपोसी सार्कोमा जो है किसके साथ एसोसिएटेड होता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हियर यू कैन सी

और ये कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है मतलब पेशेंट को ऑलरेडी कौन सी डिजीज हो रखा है और उसको कपोसी सार्कोमा हो सकता है कपोसी सार्कोमा हो सकता है बिल्कुल यहां पर आप एड्स वर्ड ढूंढ रहे होंगे बट मैंने एच भी लिखा हुआ है यस ये जो आप बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिस प्रकार आप आंसर दे रहे हो ना इससे ये इंडिकेट करता है कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है और जल्दी मेरे बच्चों के लिए मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा तब पूरी तरीके से आपके ब्रेन को फिल्टर कर दूंगा फिर पूछना है एम्स को कहां से पूछ आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूंगा और सुपर पार्टिसिपेशन सी आपका सही आंसर आ रहा है बिल्कुल यहां पर एच आईवी इंफेक्शन क्योंकि बच्चों एच क्या कॉज करता है एड्स कॉज करता है और एड्स में क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो यहां पर एड्स के साथ एक तो कपोसी सार्कोमा होगा एक नॉन हॉर्डकिस लिम्फोमा होता है और इवन ये जो दिख रहा है ये एसोसिएटिव डिसऑर्डर मतलब ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कभी आपको सॉरी एच आई वी लिखना बच्चों कभी आपको ऐसा पूछेंगे कभी आपको ऐसा पूछेंगे लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसका right इसका राइट राइट आंसर आंसर है बच्चों ध्यान से रखिएगा एच आई वी जो है वो राइट right आंसर है बच्चों दैट इज इज द राइट आंसर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ एमसी क्यों बच्चों ओके फाइन okay, नेक्स्ट देखिएगा मैंने क्लियरली मेंशन किया कि इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू surrounding the nail is known as inflammation of tissue surrounding nail is known as is known as my loving future nursing officer ध्यान से देखिएगा यदि पेशेंट का यदि पेशेंट का इन्फ्लेमेशन जो है वो नेल के सराउंडिंग है नेल जो है ये आपका नेल है ये आपकी फिंगर है और नेल के सराउंडिंग यदि इन्फ्लेमेशन हुआ है इन्फ्लेमेशन हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों दैट इज अ ऑनको ऑनकोलाइसिस बोल सकते हैं क्या ऑनकोलाइसिस बोल सकते हैं क्या पैरो चिया बोल सकते क्या पैरो बोल सकते क्या या क्लबिंग क्लबिंग बोल सकते क्या या कोईली बोल सकते क्या क्विक आंसर क्विक आंसर चार ऑप्शन आपके सामने मैंने पूछा है कि यदि पेशेंट का नेल जो है देखिए बदमाश बच्चों ये आपकी फिंगर है ये आपकी फिंगर है दिस इज योर नेल नॉर्मली आपका नेल जो है वो 160 डिग्री एंगल पे होता है अब इस नेल के सराउंडिंग यदि कोई इंफ्लामेटरी प्रोसेस हुआ है सराउंडिंग कोई इंफ्लामेटरी प्रोसेस हुआ है वॉट वी कैन से किस नाम से हम कंसीडर करते हैं बच्चों बी आपका आंसर आ रहा है आपने पेरेंट्स लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर नेचिया को हम स्पून नेल बोलते हैं और ये प्रेजेंट होता है आयरन डेफिशियंसी ये प्रेजेंट होता है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया में और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया में

डियर नर्स फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में करेगी बर्न वाले पेशेंट के लिए बर्न वाले पेशेंट के पूछा बच्चों ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन आपके सामने शुक्रिया अर्चना पटेल ए में लिखा हुआ है हावरली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करोगे बी में स्किन कलर को चेक करोगे सी में पेन पेन असिसमेंट करोगे और डी में हावरली यूरिन आउटपुट देखोगे सीधा क्लियर सिस्टम है कि बर्न वाले पेशेंट में बॉडी से क्या लॉस होता है बच्चों फ्लू लॉस होता है क्या लॉस होता है फ्लू लॉस होता है इसीलिए हम बर्न इनिशियल मैनेजमेंट में जब भी हमने देखा इनिशियल मैनेजमेंट में जब भी हमने देखा है तो हमने कहा कि बर्न वाले पेशेंट को मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है फ्लूड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है तो क्विक आंसर आपको पुट करना है चारों में से कौन सा पैरामीटर हम असिस्ट करेंगे चारों में से कौन सा पैरामीटर हम असिस्ट करेंगे ट्वेंटी आवर्स फर्स्ट ट्वेंटी आवर्स ऑफ बर्न पेशेंट क्योंकि बर्न पेशेंट में पेशेंट से बॉडी से फ्लूड का लॉस होता है जब फ्लूड का लॉस होता है तो पेशेंट को हाइपोवॉलीमिया होगा हाइपोवॉलीमिया होगा और जब हाइपोवलिमिया होगा तो किडनी की तरफ जो फ्लूड जा रहा है या ब्लड जा रहा है वो डिक्रीज होगा वो डिक्रीज होगा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी डिक्रीज होगा अब आप इंडिकेट कर सकते हो सही आंसर क्या होगा सही आंसर क्या होगा ऑलमोस्ट बच्चों ने लिखा डी क्या बात है फंटास्ट पार्टिसिपेशन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आपका पर होगा. करना है? और फ्यूड प्रॉपर आर एक्ट नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट बी क्रॉस थाउजेंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जे आई एनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर शुक्रिया आप सभी का थाउजेंड क्रॉस और एक बार क्लास को लाइक जरूर करें क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक तो पुट करने की पूरी कोशिश मेरी लगातार जारी है शेयर एवरी वन ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों ऑफ द द फॉलोइंग नाउन एज फॉर्मिंग सेल ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मैं एमसी क्यों आपसे पूछा है कि कौन सा जो है कौन सा जो है सेल बॉन फॉर्मिंग सेल है कौन सेल को बॉन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं क्या हम फिब्रीनो को बोलते हैं क्या हम ओस्टियोसाइट को बोलते हैं क्या क्लास्ट को बोलते हैं क्या मोस्टियो ब्लास्ट को बोलते हैं बच्चों फटाफट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्ड लिखा ब्लास्ट ब्लास्ट जो है ये हमेशा इमेच्योर इमेच्योर जो सेल होता है उसको रिफ्लेक्ट करता ब्लास्ट क्लास्ट जो है ये फेगोसाइटोसिस को रिफ्लेक्ट करता है या किल किल सेल की बात करें दैट वी कैन सी सेल साइट साइट जो है हमेशा मैच्योर साइट हमेशा सा मैच्योर सा सेल को इंडिकेट करता है अब आप आंसर बताइएगा बच्चों अब आप आंसर बताइएगा विच इज द राइट आंसर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ बॉन फॉर्मिंग सेल कौन से सेल को हम बॉन फॉर्मिंग सेल के नाम से जानते हैं बच्चों मैंने सारे सेल्स का मीनिंग आपके सामने पुट किया जहां पर भी ब्लास्ट वर्ड आता है जैसे मैं बताता हूँ ध्यान से देखिए बच्चों जैसे मैं आपको बताता हूँ तो ब्लास्ट मतलब ये इमेच्योर आरबीसी है ये इमेच्योर आरबीसी है यहाँ मोनो ब्लास्ट हो सकता है लिंपो ब्लास्ट हो सकता है मेगा क्रियो ब्लास्ट हो सकता है ब्लास्ट वर्ड कहीं पर भी आता दैट वी कैन से इमेच्योर मैंने यहां पर लिखा ऑस्ट्रियो ब्लास्ट जो है वो इमेच्योर सेल है क्लास जो है फेगोसाइटिक सेल है साइट को बोलते हैं मैच्योर सेल और आपने सबने आंसर लिखा है बच्चों। सारे बच्चों ने एक ही आंसर लिखा डी सारे बच्चों ने एक ही आंसर लिखा डी आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है एब्सोल्युटली करेक्ट है हमेशा याद रखना आपको क्वेश्चन फॉर्मिंग सेल पूछते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट लिखना आपने कई बार सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस में हम पढ़ते हैं इंबैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट राजा जेसवाल डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज स्टूडेंट फंड थैंक यू राजा टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्सेंट फंड और ये आपका contribution हर बच्चे की मदद में हम उपयोग करने की कोशिश करते हैं जारी रहेगी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसाइन नेक्स्ट देखिएगा पूछना चाहता है अपने मतलब यदि हम सिल्वर नाइटेड की ड्रेसिंग यूज कर, कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग में कॉज ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज क्रिएटनिंग लेवल बी में लिखा है डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लीशन किसका सोडियम और पोटेशियम का देन इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देन बच्चों लिखा इंक्रीज पोटेशियम लेवल सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग जो है हमेशा मैं बता देता हूं आपको जब हम बर्न पेशेंट होता है ना बर्न का तो वहां पर हम सिल्वर एक्स यूज करते बर्न वाले पेशेंट में मैंने सिल्वर नाइट्रेट वर्ड पुट किया है थोड़ा इजी है भी है और आपको आंसर पुट करना सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग जो है वो क्या कॉज करती है, यदि कहीं हम यूज करते है तो वॉट कैन कॉज कॉज कैन शुक्रिया थैंक थैंक यू यू मच सो सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग क्या कॉज करती है डिप्लीशन बिल्कुल सही सोडियम और पोटेशियम दोनों का डिप्लीशन का काम करती है और एक हारमोन इसका नाम है एल्डोस्टिरोन एक हार्मोन इसका नाम है एल्डोस्टर ये क्या करता है ये सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को रेगुलेट करता है बदमाश बच्चों दोनों को रेगुलेट करने का काम होता है हार्मोन वी एल्डोस्टेरोन दैट हार्मोन वी एल्डोस्टेरोन बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों की डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशियं और बड़ा ही आसान MCQ है कि डायबिटीज इनसीपीडस का कॉज क्या हो सकता है डायबिटीज इनसीपीडस का कॉज क्या हो सकता है इंसुलिन हो सकता है एंटी डायोरिटिक हार्मोन हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है ऑक्सीटोसिन हो सकता है एक बात का ध्यान रखना एक वर्ड आपने सुना होगा एडीएच इसको हम एंटी डायोरिटिक हार्मोन पढ़ते हैं इसको हम एंटी डायूरिटिक डायूरिटिक हार्मोन पढ़ते बदमाश बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं वैश्योप्रिसिन बोलते हैं इसी को हम क्या कहते हैं वैश्योप्रिसिन बोलते इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों पिट्रेसिन बोलते हैं क्या बोलते हैं

फाइंड आउट होगा दैट विल बी इंडिकेटिंग द इंसिपिडस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर यहां मैं पुट किया बच्चों जे आई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें मैं उनको बताना चाहता हूं कि जे आई गुरुकुल जोधपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका 2022 है उससे पहले ई एस आई सी आर आर बी डीएसएस बी ये बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है अब टारगेट नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू नया ऑफलाइन बैच इवनिंग बैच है तीन से सात का टाइम है शुरू हो चुका है फीस 19500 फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी है आपको 9636032691 पे फोन पे और Paytm करके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर सकते हो और सिक्स मंथ इस कोर्स का ड्यूरेशन होगा हॉस्टल में कोई बच्चा रहता है तो 6000 पर मंथ फीस होगा लाइब्रेरी कंप्लीटली फ्री होगी लाइब्रेरी कंप्लीटली फ्री होगी बस आप जेएनसी गुरुकुल में आकर पट्सेश्वर या डोनेटिंग नाइनटी रुपीज थैंक यू ईश्वर जेएनसी गुरुकुल जोधपुर में आकर के आप अपने जे परिवार के साथ रह करके अपने सपने को पूरा कर सकते हो और जहां पर मैंने क्लियर भी पुट किया है क्लियर पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो बैच स्टार्ट हो चुका है आपके सामने ये जेएनसी का ऑफलाइन बैच है जे गुरुकुल जोधपुर में चलने वाला ऑफलाइन बैच है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहुंच चुके हैं यू विल ऑल्सो कम टू ज्वाइन जे फैमिली एट जे आई एनसी जोधपुर तो ये ऑफलाइन बैच की इंफॉर्मेशन थी हाइपर मेट्रोपिया को हम बोल सकते हैं रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिव इरर बोल सकते हैं रिफ्रेक्टिव इरर बोल सकते हैं मतलब आई का वो एबनॉर्मेलिटीज है जहां मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि हाइपर मेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कौन सा लेंस हम यूज करते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑप्शन लिखा है कॉनकेव लेंस 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 आप यूज 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 कर 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 सकते 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 हो 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 टॉरिक बाईफ आई ग्लासेज आप यूज कर सकते हो, हो? 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 थैंक यू महिपाल सिंह चौधरी शुक्रिया माइडियर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाइपर मेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हाइपर मेट्रोपिया को याद रखना लॉन्ग साइटेडनेस दूर दृष्टि आपने पढ़ा होगा हिंदी में लॉन्ग साइटेडनेस दूर दृष्टि आपने पढ़ा होगा इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं याद रखना कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्स जो है ये आपका नॉर्मल लेंस है बच्चों कॉन्वेक्स जो है ये आपका नॉर्मल लेंस होता है आई का अब ये आपको चार ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया दैट वी कैन से कॉन्वेक्स मैं बताना चाहता हूं एक एमसीक्यू आपको क्यू आपको में से देखने को मिल सकता है क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या उसका सही आंसर होगा यू शुड नीड टू नो एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स मैंने क्लियर मेंशन कर दिया बच्चों मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं विजन जो माओपिया है मतलब क्या होगा उसको ठीक करने के लिए कॉनके और माइनस लेंस बहुत सारे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें होंगे मेरी तरह चश्मा पहने बैठे होंगे किसी का माइनस का लेंस है किसी का प्लस का लेंस है एग्जैक्टली exactly माओपिया में क्या होता है यहां लिखा कॉनकेव लेंस माओपिया में क्या होता है यह आपका आई बॉल है बच्चों ये आपका आईबॉल है यह आपका लेंस है नॉर्मली जब रेज आपके लेंस पे टकराती है तो सीधा कहां पहुंचती रेटाइना पे ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल अब क्या हुआ पेशेंट को मायोपिया हुआ क्या हुआ मायोपिया मतलब आपका अगेन ये आईबॉल है अगेन ये लेंस है अगेन ये रेज आपके लेंस पे जा रही है बट दिक्कत क्या हो रही है ये रेज जो है ये आपके उस रटाइना तक नहीं पहुंच रही है वहां पर आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल था यहां पर जस्ट रेज जो है फॉल फ्रंट ऑफ द रिटाइना रेज जो है फॉल फ्रंट ऑफ द रिटाइना जो रेज है वो रिटाइना पे जाएगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा तो ये रेज क्या हो रही है के फ्रंट में गिर रही है इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस और वी कैन से माओपिया शॉर्ट नाइट साइटेडनेस और माओपिया अब हमें क्या करना है अब आपको क्या करना है जिन्होंने चश्मा पहन रखा है जिन्होंने चश्मा पहन रखा है अब आपको करना क्या होगा आपको अपने चश्मे के अंदर लेंस लगाना होगा आपको अपने चश्मे में लेंस लगाना होगा और ये लेंस कौन सा होगा होगा ये 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 कॉनकेव 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 लेंस 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 अब अब आपने लगा दिया रेज जो है ये लेंस में पहुंचेगी और ये यह भेजना शुरू कर देगा वही भेजना शुरू कर देगा जहां पर पहले जाता था जब नॉर्मल जहां पर पहले जाता माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखना होगा मेरे बच्चों को यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी लाइव क्लास को देख रहे होंगे जिन्होंने चश्मा पहन रखा होगा जो क्लासरूम में जब बैठते तो टीचर जब टीच करता है तो दूर का लिखा हुआ जो है वो क्लियर नहीं दिखता है तो उन्होंने चश्मा पहन रखा होगा और उनका लेंस जो है जो यूज किया हुआ लेंस कौन केव लेंस होगा और लेंस कौन सा माइनस वन माइनस होगा माइनस लेंस का मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लाइक दैट लेंस होगा हुआ क्या आपके साथ घटना क्या घटी आपके साथ ध्यान से देखेगा आपको सब कुछ ठीक चल रहा था इस तरीके से रेज आपका लेंस ले रहा था बट बदमाश बच्चों को क्लोज ऑब्जेक्ट के साथ स्टडी करना ज्यादा मोबाइल चलाना हुआ क्या ये रेज रिटाइना पे पहुंचना बंद हो गया और रिटाइना तो प्रतिबिंब नहीं बनने लगेगा तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चश्मा पहना दिया उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा दिया कॉनकेव लेंस और इसी कौन के लेंस को माइनस लेंस बोलते हैं माइनस लेंस बोलते हैं बिल्कुल शिवानी बहुत सारे मेरे बिरादरी होंगे जैसे मैंने चश्मा पहन रखा सेम उसी तरीके से आपने भी पहन रखा होगा तो याद रखिएगा अपना जो लेंस है जिसको दूर से नहीं दिखता है दूर का ऑब्जेक्ट यदि ठीक से नहीं दिख रहा है तो उन्होंने कौन सा लेंस पहन रखा बच्चों और कौन के वो क्या बोलते हैं माइनस लेंस क्या बोलते हैं माइनस लेंस माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी ओके फाइन ओके फाइन नेक्स्ट मैंने पुट किया बच्चों हाइपर मेट्रोपिया जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और इसी को हम बच्चों प्लस लेंस बोलते हैं जिसको

थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसी एरिया, 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 अपर अपर मैं आपको बता देता हूं स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, है। लोअर एक्सुमिटीज में हम यूज करते हैं लोअर एक्सुमिटीज में यूज करते हैं और इसका पर्पज होगा स्पाजम को मिनिमाइज करना स्पाजम को मिनिमाइज करना रिवा मार खाओगे बेटा फॉलोइंग एरिया नुड असिस्ट इन रसल ट्रैक्शन अप्लाइड पेशेंट रसल ट्रैक्शन कहाँ लगाते लोअर लिम्स में लगाते हैं लोअर बैक पेन है बॉडी में स्पाजम है तो लोअर uh, में स्किन ट्रैक्शन हम पुट करते हैं तो स्पेशली हम कौन सा कौन सा एरिया जो है वो असिस्ट करेंगे देखिए अफिमोरल एरिया ब्रेकियर एरिया पॉपुलिटिन अपरास देखिए बच्चों गलत चले गए हो गलत चले गए हो गलत जा रहे हो गलत चार ऑप्शन है चार ऑप्शन है रसल ट्रैक्शन लोअर एक्सिविटीज को अरे बदमाश बच्चों पॉपुलिटियल एरिया जस्ट बिहाइंड द नी जस्ट बिहाइंड द नी हमें

इंसुलिन हम किसी भी पेशेंट को जब एडमिनिस्टर करते हैं हम किसी भी पेशेंट को जब इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं और इंसुलिन जब पीक पे पहुंचता है तो हमेशा मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल लेस देन सेवनटी एमजी पर डीएल हो जाएगा मतलब सीधा जब भी कोई भी इंसुलिन चाहे वो रेगुलर हो चाहे शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग

टू टू फाइव आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन या इमिडिएट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन क्विक आंसर पुट करना मेरे बच्चों चार ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिया है पीक एक्शन पूछा है पीक का मतलब जैसे ही आप इंसुलिन को दोगे तो सबसे पहले फिर वो पीक होगा फिर वो मैक्सिम होगा, होगा मतलब उसका रिजल्ट आने तक एक्शन बोलते हैं हाइएस्ट लेवल पे जाएगा पीक होगा और उसका इफेक्ट जब तक रहेगा उसको मैक्सिमम बोलते हैं जब तक रहेगा उसको मैक्सिमम बोलते हैं माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फटाफट आपको आंसर पुट करना बदमाशी बंद फोकस ऑन क्लास फटाफट आपको आंसर पुट सी 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 ज्यादातर ज्यादातर बच्चों बच्चों ने ने लिखा लिखा है सी लिखा है यहां पर आपका सही आंसर है मैं मेंशन करना चाहता हूं एक्जेक्टली रेगुलर इंसुलिन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है चार टाइप्स के इंसुलिन होता है रेगुलर होता है रेगुलर किसी फर्दर सब टाइप का टाइप होगा बच्चों मैंने यहां कर दिया दैट यू कैन सी शॉर्ट एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज भी आपके सामने इमेज भी आपके सामने शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है हम जब भी पेशेंट को इंसुलिन देंगे वो खाना खाने से तीस मिनट पहले देंगे पहली बात दूसरा रेगुलर या बेस्ट एग्जाम्पल है और रेगुलर का यूज होता है टू ट्रीट पेशेंट एसिडोसिस याद रखेगा बदमाश बच्चों हम पढ़ते हैं टाइप वन डायबिटीज मलाइटस और टाइप वन डायबिटीज मलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिकटो एसिडोसिस एसिडोसिस और डायबेटिक को तो बदमाश बच्चों रेगुलर सा साथ में हम आईवी दे सकते हैं यहां पर मैंने रेगुलर इंसुलिन का इमेज पुट किया ह्यूमन एक्ट्रापिड का इमेज पुट किया हुआ है ध्यान से देखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस ऑफ यू से दूसरा मैंने ऑनसेट पुट किया लगाने के 30 मिनट से एक घंटे में इसका रिजल्ट आएगा और टू टू फाइव आवर तक पीक पे जाएगा बारह घंटे तक ये इंसुलिन इफेक्ट करेगा बारह घंटे तक इफेक्ट करेगा बच्चों तो पर बहुत सारे और ये रेगुलर और ह्यूमन एक्टापिड दो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैंने क्लियर पुट किया मैंने क्लियर पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रेगुलर इंसुलिन को हम लोग डायबेटिक को ट्रीट करने में यूज करते हैं और पीक टू, टू आवर लगाने के बाद तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपका प्रिपेयर हो रहा है और उम्मीद करता हूं ये आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा। आपकी मदद मदद करेगा करेगा बच्चों मेरी कोशिश पूरी है ओके okay, फाइन कि uh, मतलब, पेशेंट ग्रोथ होता है ओमा का मतलब सबको पता है कि न्यू ग्रोथ होता है ना बच्चों कैंसरस ग्रोथ होता है उसको हम फ्यूक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्योक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी फ्योक्रोमोसाइटोमा का मतलब हो गया एड्रिनल ग्लैंड का नियोप्लास्टिक ग्रोथ और ट्यूमर जिसको साइटोमा बोलते हैं अब आपको अच्छे से पता होगा एडिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को सिक्रिएट करती है ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर एबडोम और यूरिन आउटपुट जैसे ये आपकी किडनी है ये आपकी किडनी है और ये आपकी सुप्रल ग्लैंड है ये आपका कॉर्टेक्स है बच्चों ये आपका कॉर्टेक्स है ये आपका मेडुला भूलना मत ग्लूको मिनरल कोटिकोइ सेक्स हार्मोन यहां पर बच्चों एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन अब समझ चुके होंगे जब यहां पर सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो इन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नर्स चारों में से कौन सा पैरामीटर जो है वो मॉनिटर करेगी चारों में से कौन सा पैरामीटर जो है वो मॉनिटर करेगी नर्स माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्या बात है क्या बात है ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर ब्लड प्रेशर को प्रायोरिटी दे दी है आप बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने ब्लड प्रेशर को प्रायोरिटी दिया है उनका आंसर यहां पर जो है हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करने वाले बच्चों तो ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा फाइन ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्योंकि हाइपर टेंशन हाल साइन होता है फ्योक्रोमोसाइटोमा का और इसका रीजन क्या है इसका रीजन है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाना और नॉर हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाना दैट वी कैन कंसिडर दैट वी कैन कंसिडर बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार नेक्स्ट देखिएगा बदमाश बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द पेशेंट टू स्टॉप इसोफेजियल ब्रीडिंग अपॉन इंसर्शन ऑफ द ट्यूब पेशेंट कंप्लेन ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग नर्स को सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा है नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए अब यहां पर आप देख सकते हो यह है पेशेंट का ट्रेकिया यह है पेशेंट का ईसोफेगस ध्यान से देखिएगा ट्रेकिया जो है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है बदमाश बच्चों ईसोफेगस जाकर के स्टोमक के साथ कनेक्ट होता है हमने ट्यूब को किस किसपे डाला ईसोफेगस में डाला ट्यूब को हमने इसोफेगस में डालने के बाद में इस ट्यूब को इनफ्लेट किया जब ट्यूब को इनफ्लेट किया क्योंकि अपर ब्लीडिंग को रोकना है तो प्रेशर किस पे पड़ रहा है प्रेशर ट्रेकिया पे और ट्रेकिया की जो साइज थी वो नैरो होने लगी की साइज थी तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी आपको क्या करना होगा को क्या करना होगा वाइटल को मॉनिटर करना होगा एसपीओ को चेक करना होगा डिफ्लेट करना होगा बलून को तुरंत रिमूव द ट्यूब्स तुरंत हमें ट्यूब को रिमूव करना होगा चार ऑप्शन आपके सामने सही आंसर को पुट करना मैंने कहीं भी कट नहीं लिखा हुआ है मैंने चार ऑप्शन दे रखा आपको चारों में से सही आंसर लिखना होगा विच इज द करेक्ट आंसर विच इज द करेक्ट करेक्टर क्विक लिखिएगा लव यू फ्यूचर नर्सिंग बिल्कुल जिन्होंने लिखा है रिमूव द ट्यूब और वी कैन से कट द ट्यूब चार ये ऑप्शन गलत हो गया आपका सही आंसर क्या होगा डिफ्लेट दिसोफेजर बलून जब मैंने आपको सीजर वर्ड पुट करता तो जरूर लिखिएगा अब मैं आपको बताता हूं आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों सी होगा क्या होगा सी होगा सी होगा अब सीधा खींचने से ट्यूब रिमूव नहीं होता है खींचने से ट्यूब रिमूव नहीं होता बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा इसकी लैंग्वेज अलग है लैंग्वेज अलग है क्या पूछा वो समझिएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा तुरंत हमें डिफ्लेट का मतलब होता है टू रिमूवल ऑफ एयरवे रिमूवल ऑफ एयर बदमाश बच्चो रिमूवल ऑफ एयर वे और आपको तुरंत एयर को निकालना होगा फिर आपको ट्यूब को निकालना होगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो वाई यू शुड यूर सेल्फ गट टूथ होता मैं बार बार हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है आपसे सीधा पूछते कि इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है और लिखा होता है कि जब भी पेशेंट को ब्लैक मोर ट्यूब को पुट किया जाता है सीजर को रखा जाता है और या कोई कंडीशन मैंने आपको नहीं दिया है जब आप बलून में प्रेजेंट एयर को नहीं निकालोगे और सीधा ट्यूब को पकड़ के खींचोगे हाउ कैन रिमूव हाउ कैन रिमूव तो पहले हमें डिफ्लेट करना पड़ेगा डिफ्लेट का मतलब होता है टू रिमूवल ऑफ एयर वे एयर को रिमूव करना कैसे मीनफ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है एयर को भरना तो डेफिनेटली जब पहले हम एयर को रिमूव करेंगे तभी तो पेशेंट का स्पेसाइड होगा और ट्रैक में रिलीफ मिलेगा एयर एक्सचेंज होने लगेगी डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी माइल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सबर नहीं रखते हैं. थोड़ा चार पांच क्वेश्चन क्या आने लग गए यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंट अगेन चार पांच क्वेश्चन का आंसर आपको इजी लगा तो सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं. और यही गलती आप एग्जाम में करते हो यही कमी आपकी एग्जाम है हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेना है एवरी एमसीक्यू शुड आस समथिंग फ्रॉम योर साइड चार क्वेश्चन का आंसर क्विक आ गया तो चांद पे उड़ने लगोगे हर एक एमसीक्यू में साजिश होती है समझ के सॉल्व करिएगा रिलैक्स रहिएगा क्वेश्चन को दो बार पढ़िएगा ऑप्शन आने का वेट करिएगा जब तक ऑप्शन आपके सामने नहीं है तो आपका कुछ भी आंसर पुट करना गलत होता है यू शुड ट्राई टू वेट सीधा ऑप्शन क्या पता जो सोचा वो नहीं है सोचा वो नहीं है अपने फ्लो को कंट्रोल करिएगा यही गलतियां की है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसकी वजह से माइनस मार्किंग आपके साथ ज्यादा हुई है थोड़ा सबर नहीं है थोड़ा सबर नहीं है चार क्वेश्चन का आंसर क्या पता चल गया बस सब कुछ आने लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा

कहलाएगी बच्चों इनको हम नार्कोटिक कहते ड्रग कहते हैं अब पेशेंट को एक्यूट में पेशेंट को क्या होगा पेन होगा तो हम कौन सी ड्रग को यूज करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि कौन सी ड्रग हम यूज करेंगे यदि पेशेंट को एक्यूट पेनकिया हुआ है एक्यूट हुआ है तो किस ड्रग को हम एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेंगे यहां पर Codeins को करेंगे मेपेरिडिन को करेंगे मॉर्फिन को करेंगे बिल्कुल जिन्होंने यहां पर सी लिखा है मेपेरिडिन क्योंकि ये जो है लेस ध्यान से देखना बच्चों ये ड्रग जो है लेस करेगी कहां पर स्पिंक्टर ऑफ ओडाई को कहां पर स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो है उसमें स्पाजम कम करेगी इसीलिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं मॉर्फिन के कंपेरिजन मॉर्फिन के कंपेरिजन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लेस स्पाजम कम स्पाजम वाली ड्रग होती है

नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, है। सर्जरी की बात की बात करो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है परफोरेशन पैरा इलियम और कॉन्स्टिपेशन फटाफट आपको आंसर देना है कि बाउल साउंडोमन डिस्टेंडेड है, है सर्जरी के बाद तो क्या हो सकता है क्या हो सकता है कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी क्या हो सकता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बिल्कुल सही आंसर आपको पुट करना होगा वेट करना होगा चार ऑप्शन आपके सामने पढ़ना होगा और फिर आपको आंसर पुट करना होगा अब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड डिस्टेंडेड आफ्टर सर्जरी व्हाट विल बी इंडिकेट बिल्कुल इलियम क्योंकि पैरालाइटिकाइसिस की वजह से फूड जो है फूड जो है वो फर्दर मूव नहीं होगा वो फर्दर मूव नहीं होगा और मूव नहीं होगा तो ये एकट होगा फूड क्या होगा

के को का मीनिंग पूछा है चार ऑप्शन है अब आंसर पुट करना होगा ये आपकी टंग होती है ये आपकी टंग का टिप होता है टिप जो है हमेशा कहते हैं साल्ट और स्वीट टेस्ट देता है साल्ट और स्वीट टेस्ट देता है दूसरा ये टंग का लेटरल पार्ट है जो हमेशा क्या करता है दैट वी कैन से साल्ट uh, स्वीट और ये दैट वी कैन से आपने सुना होगा खट्टा और कड़वा

राइट और लेफ्ट में यदि डिवाइड होती है इस प्लान को क्या कहेंगे ट्रांसवर्स सजाइटल ऑब्लिक और वर्टिकल ऑब्लिक और वर्टिकल मतलब सीधा राइट और लेफ्ट में यदि आपकी बॉडी को डिवाइड किया है ये कौन सा कौन सा सेक्शन होगा कौन सा सेक्शन होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वर्टिकल प्लान थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इन टू द राइट एंड लेफ्ट इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से व्हाट वी कैन से फटाफट आपको आंसर फुट करना है आपको आंसर फूट कर बिल्कुल सही याद रखने का तरीका सजाइटल मतलब आपका दोनों पेराइटल बोन के के बीच के हैं पैराइटल के के तो सिंपली आपको याद रखना है कि बॉडी को यदि वर्टिकली हम डिवाइड करते हैं सजाइटल कौन सा होगा बच्चों माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस तरीके से आपको याद करने की कोशिश करनी है बदमाश बच्चों को एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना होगा माई लविंग कैन सी एवरी वन ओके फाइन नेक्स्ट मूव करते हैं जो काफी बच्चे वेट कर रहे होंगे आई वॉज इट वेरी वेल कि जिन बच्चों ने नॉट से नहीं दिया, दिया कुछ कमी रह गई वो बच्चे जेआईनसी का लाइव बैच ज्वाइन कर सकता है वो बच्चा जेआईनसी का लाइव बैच ज्वाइन कर सकता है लाइव बैच का टाइम थ्री टू सेवन पी का और उसके बाद यदि आप क्लास नहीं ले पाए तो आपके ऐप में सेव हो जाएगा बच्चों दूसरा मंथ में ये बैच पूरा होगा इस बैच में यूनिट टेस्ट आपको मिलेगा तीस दिन में तीस दिन क्लास होगी मेरे बदमाश बच्चों की और कंप्लीट नर्सिंग के साथ यहां पर रिसर्च होगा एडमिन होगा एजुकेशन होगा फार्मा होगा माइक्रो होगा सब कुछ हम पढ़ेंगे और इसका प्राइस सात हजार चार सौ निन्यानवे सिंपल तरीका प्ले स्टोर पर जाना जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना मेल आईडी को लॉग इन करना और वहां से आप बाय नाव पे जाके कोर्स वन कोर्स फॉर वन नेशन या सीधा नाइन सिक्स थ्री सिक्स जीरो टू सिक्स नाइन वन पे फोन पे और पेटीएम करें क्योंकि ये लिमिटेड टाइम तक का ऑफर है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो सभी फरीदकोट के एग्जाम देने वाले मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को बेस्ट विजेस्ट बेस्ट ऑफ लक अच्छा करके आइएगा हमेशा की तरह अटेम्प्टिंग पे फोकस रखना आते जाते मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखना पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना और एक बार इस जंग को भी आपको जीत के आना क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है इसलिए खुद पे भरोसा रखेगा पड़ोसी पे ट्रस्ट मत करना जो आपको आता हो किसी को नहीं आता ये सोच के आपको बैठना है और आई होप कि माय लविंग फाइटर्स आप बहुत अच्छा करके आओगे कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई एनर्जी नए उम्मीद के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा जय हिंद जय भारत